वाटरप्रूफ मेकअप हो, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मेकअप रिमूवर का काम करेगा। जल्दी से जल्दी आप वाइप करो फेस में, फेस को जल्द से जल्द, और ये आपकी फेस को ड्राई भी फील करने नहीं देगा। देखो जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं मेकअप। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं, घर में सड़ जाते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है। जब हम निकलते हैं ना टाइम नहीं मिलता है। मैं आपको बोलूं, मैं भी अपना मेकअप करती हूँ 5 मिनट में। 5 मिनट कैसे इस्तेमाल करते हैं मेडिकल, ठीक है? तो बेयर फेस है, इसमें ग्लो है, गोल्डन ग्लो है। गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, डेली मेकअप कर सकते हैं इससे आप डेली। कोई फाउंडेशन अगर लगाना नहीं चाहते हैं, डोंट वरी, ये मॉइस्चराइजर कम इल्यूमिनेशंस का काम करेगा। दूसरा, इसको आप कोई भी फाउंडेशन के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं, एक गोल्डन ग्लो आ जाएगी। तीसरा, इससे आप हाइलाइटिंग भी कर सकते हैं। तो ये अगर मॉइस्चराइजर आपके पास होती है तो 3 काम हो जाएगा। तो देखिए एक साइड में हमने लगाना शुरू कर दिया है, और आप पहले वाले फेस भी देख रहे थे, ड्राई था फेस, व्हाइट पैचेस था, और अभी फेस कैसी होगी है, एक हाइड्रेशन वाली ये भी होगी है। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखनी है, वाटर प्रूफ रखनी है, स्वेट प्रूफ रखनी है, हमें इस्तेमाल करना है प्राइमर। लेकिन आज हम प्राइमर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जस्ट दिखा रहे हैं कैसा होता है। नेक्स्ट फटाफट से चले जाएंगे हमारे पास जो है फाउंडेशन। हाँ, हमारे पास देखिए एक स्टिक है जिसको हम कंसीलिंग का फाउंडेशन कह सकते हैं। इसे आपने बैग में रखते हैं, इससे आप कंसीलिंग कर सकते हैं। नेचुरल टोन में आई शेडो की तरह की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हाइलाइटिंग भी कर सकते हैं, एज अ फाउंडेशन की तरीके से भी कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द हम इसको किस तरीके से लगाएंगे, हाथ में लेंगे और डैब कर देंगे। तो मैंने बताया था ना, हैवी मेकअप नहीं दिखाऊंगी, एकदम लाइट मेकअप दिखाऊंगी, क्योंकि आज का जो जमाना है वो है नो मेकअप लुक। तो आप मेकअप भी करते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है, और आपकी फेस ऑलवेज ग्लो भी करती है। जब तक ये चल रही है, मैं और एक प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पर कोई भी मेकअप आपका अच्छा नहीं होगा जब तक आप आईब्रोज को सेट नहीं करेंगे। तो जल्दी जल्दी हमारे पास ब्रो काड़ा है, जिसके एक साइड में आप देखेंगे एक स्क्रूल है जिससे आप शेप कर सकते हैं, और दूसरी साइड में हमारी पेंसिल से आप, पेंसिल जो है नेचुरल कलर है, ब्लैक कभी भी भूल से भी मत लगाइएगा, क्योंकि ब्लैक इज नॉट अ ओरिजिनल कलर ऑफ आवर आईब्रोज। जल्दी जल्दी हम लोग आईब्रोज में सेट करते हैं। तो ये स्क्रूल जो होती है, ये स्क्रूल सेट करने के लिए होती है। तो मैं देख रही हूँ ऑलरेडी इनका सेट है, लेकिन आईब्रोज में कहीं पे ज्यादा हेयर है और कहीं पे है नहीं, तो हमें प्रॉपर शेप देंगे। आप करिए, तो थोड़ा सा इसको कॉम्बिंग कर रहे हैं ताकि शेप में आ जाए। अगर आईब्रोज अच्छे से बनी भी नहीं है तो इससे भी अच्छी तरीके से बन जाएगी। तो थोड़ा सा कलर लेंगे और उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो जस्ट फील कर रहे हैं, ओनली फीलिंग। तो जो जगह पे कम है, ज्यादा नहीं है, बस बस बस। हाँ, अब उसको इससे क्या करेंगे, स्मजिंग, ऐसे नहीं, स्मजिंग ऐसे होगी, ठीक है? देखिए एक नेचुरल टोन आ रही है। देखिए ये आई शेडो और इस आईब्रोज को दोनों को ठीक कर देते हैं। आईब्रोज जैसे ही बन गई है तो मेरी आईज एक्चुअली सेट हो गई है, किस तरीके से हमारी आई शेडो लगेंगी। तो मैंने अभी कितना प्रोडक्ट दिखाया, पहला प्रोडक्ट क्या दिखाया,
मेकअप वाइप्स जो आप अपने बैग्स में रख सकते हैं कभी भी स्वेटिंग हो कहीं पे भी जाए। सेकंड प्रोडक्ट्स मैंने दिखाया है इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजिंग लोशन, आप मॉइस्चराइजर प्लस फाउंडेशन के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं। थर्ड प्रोडक्ट हमने दिखाया कंसीलर का फाउंडेशन स्टिक, एंड फोर्थ प्रोडक्ट मैंने दिखाया आईब्रो पेंसिल, एंड फिफ्थ प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ द मिरेकल आई शैडो। देखिए इसमें ब्रश है तो इसको आप डे नाइट बोथ द पर्पस इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। तो देखिए यहाँ पे ब्रश है ऑलरेडी, आंखें बंद करना है 30 सेकंड भी नहीं लगेगा ये आई शैडो लग जाएगी। तो ये मैं खाली इसको यहाँ पे लगा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे मॉर्निंग लुक देनी है, ज्यादा नहीं करनी है, अपनी रिंग फिंगर लेना है और इसको जस्ट स्मज करनी है। देखिए नेचुरल एक आई शेडो बन गई है, खोलो नेचुरल आई शेडो बन गई है। और अगर आपको लग रहा है मुझे हेवी मेकअप देनी है तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डीप कर लेंगे, बंद करो। अब उस दूसरे साइड में भी हम इसको लगा लेंगे। देखिए आसान है ना आई शेडो लगाना, कितना टाइम लगा। और ये हमारी 5 कलर्स में अवेलेबल है, कॉपर कलर किसी के साथ भी जा सकता है, गोल्डन कलर सबके साथ जा सकता है, हमारे पास ब्लू कलर है इसका, है ना, और साथ ही में हमारे पास मच प्रो बर्बन कलर लंदन की स्टेरी आई पेंसिल है। तो क्या करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, खाली नीचे वाली लाइन्स में वॉटर लाइन में हम उसको लगा देंगे, क्योंकि मैंने बताया था डे लुक देंगे, थोड़ा सा अपने आप को अलग अलग करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हम अपनी चेतना आपको चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइट क्योंकि हम मॉर्निंग लुक दिखा रहे हैं। तो देखिए एक चेंजेस हो गई है। नाउ ब्लशर, तो हमारे पास एक न्यू ब्लशर आई है जिसमें हाइलाइटर भी है एंड ब्रॉन्जर भी है और उसके साथ ब्लशर्स भी है। तो देखिए मैं जो बता रही थी आई शेडो, आपको पता है ये ब्रॉन्जर जो है इसको अब एक एज आई शेडो इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसका जो कलर है बहुत ही प्यारा कलर है, देखिए जो आई शेडो दिखा रही थी, अगर आपको ये किट लेना है तो आपका आई शेडो का काम भी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा लगा के दिखाते हैं, आई बन इसको हम एज ए आई शेडो की तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंगे, बहुत ही प्यारा कलर है। और ये देखो हमारी जो हम लोग साड़ी पहनते हैं सूट पहनते हैं ऑलवेज गोल्डन एंड कॉपर, ये दो कलर जो है बहुत ही फेमस कलर है, सबके साथ जाता है। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन, अब देखिए दो पार्ट में है, ये वाला पोर्शन आपकी है ब्लशर। क्या करेंगे, अगर ब्लशर लगाना, थोड़ा सा पीछे बात कम करेंगे प्लीज, देख लेंगे ब्लशर अगर आपको लगता है कि मुझे सही से लगाना नहीं आता है, सिंपल टिप्स जो है स्माइल, स्माइल करो, बनाओ। तो स्माइल करने के बाद एप्पल ऑफ द चीक्स, इसको कहते हैं एप्पल ऑफ द चीक्स, और हाँ स्माइल करो, एप्पल ऑफ द चीक्स बन गया। अगर आपके पास ब्रश है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है फिंगर से भी आप कर सकते हैं। ये 2 फिंगर्स लीजिए और ये 2 हाथ भी मेरा आ गया है, अब स्माइल करो, अब देखो स्माइल हो गया है, इसको हमने ऐसे लगा दिया और इसको हम जल्दी 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 फेंकने भी चाहिए थोड़ा सा। ये 2 फिंग मेरी ब्लशेस भी लग गई, देखो 2 जगह पे, 2 साइड में देखो, अभी इस जगह पे नहीं है ब्लशर और उस जगह पे ब्लशेस लग गई है। तो फिंगर से भी हम लगा सकते हैं और जल्दी जल्दी अगर आपके पास ब्रश है तो इसको हम थोड़ा सा लेंगे, एक्स्ट्रा जो ब्रशर है इसको हटा देंगे, एप्पल ऑफ द चीक्स, हाँ जहाँ पे स्माइल हो रही है यहाँ से लेके कान की तरफ उसको स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे जल्दी 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 इसको हम स्प्रेड कर देंगे। ये ब्रॉन्जर खाली हम आंखों के ऊपर ही लगाएंगे? नो, दिस इज वर्क एज अ हाइलाइटर। तो हाइलाइटर कहाँ पे लगाते हैं? हाइलाइटर लगाते हैं स्पेशली टी जोन में, नोज एरिया, क्यूपिड बो जिसको कहते हैं, यहाँ पे।
और अगर आप पार्टी पर्पस के लिए जा रहे हैं तो पार्टी पर्पस के लिए भी इसके ऊपर वाला पोर्शन जो है वहां पे भी आप जा सकते हैं। अब देखिए इसका बहुत सारे दो शेड्स हमारे पास आए हैं। ये अलग एग है। अगर आपको पीची लुक चाहिए यानी कि पिंकी गाल में थोड़ा सा ब्लश चाहिए तो यह हम ब्लशर लगाएंगे और ये है हमारी हाइलाइटर। आप देखिए एक हाइलाइटर लगा के हम इस्तेमाल करेंगे। फिंगर्स अगर आपके पास अगर ब्रश है अलग ठीक है। फिंगर में हमने ये व्हाइट कलर का ये ले लिया। इस हाइलाइट को हम कहाँ कहाँ लगाएंगे? आंखें बंद, आई शेडो लगाने के बाद आपके पास आई शेडो लगाने के बाद जो एरिया आपके पास पड़े हुए हैं इसको हम कहते हैं ब्रो बोन्स। इस ब्रो बोन्स में हम इसको लगा लेंगे। देखिए हाथ आ गया रहे। अब देखिए अलग अलग लग रही है ना आईशैडो, आई डिफरेंट लग गई है ना। एक हाईलाइटिंग हो गई है और एक विदाउट हाईलाइटिंग है। तो ब्रो बोन्स में लगाने से क्या होती है, आपकी आईशैडो जो लगी हुई है वो और ज्यादा प्रॉम्प्ट हो जाती है ना, खुल के बाहर आ जाती है क्योंकि हमने ऊपर वाला एरिया को हाईलाइट कर दिया। तो अब हम इसको ऊपर में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंगे आंखें बंद, ऊपर में लगा दिया और इस हाइलाइटर को हम नोज के ऊपर भी लगा देंगे थोड़ा सा लाइट। और जैसे ही हमने ब्लशर लगाया, ब्लशर के ऊपर वाला हिस्सा होता है, ब्लशर के ऊपर वाला हिस्सा होता है हाइलाइटिंग की। तो देखिए मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ थोड़ा सा हाइलाइटिंग। अब मैं क्या करूंगी, ओनली मेरी लिप्स बाकी है तो जल्दी जल्दी हमें हाँ पीची कलर ऑलवेज ध्यान में रखना है। हमें हाई आईज को अगर बहुत हाईलाइट करा है तो लिप्स को हमें सटल करना है। तो एक सटल कलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी हमारे पास अर्बन कलर में मौजूद है विद द ब्रश। आप देखिए ये जो प्रोडक्ट्स है इसको भी हम डुअल पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास ब्लशर नहीं है, टेम्पररी बेसिस में इसको भी हम चीक्स बोन्स में लगा के ब्लेंड करेंगे तो इसमें भी हमारी एक पीची लुक आ जाएगी, है ना। ये भी हम कर सकते हैं। तो मैंने हाइलाइटर लगा लिया है, ब्लशर लगा लिया है। आई विल नॉट टच हर फेस। अब हम क्या करेंगे, लिप्स में थोड़ा सा लगाएंगे। न्यू शेड है इसका। लग गई राइट। अब मैंने बताया था थोड़ा सा हाइलाइटर दीजिए, हाइलाइटर। अब मैंने बताया था ना हाइलाइटर का और एक जगह पे काम है, क्यूपिड बो। यहाँ पे लगाएंगे तो हमारी ये जो ट्विस्ट क्रॉस वाला एरिया है ये वाला, थोड़ा सा हाइलाइटर लेंगे और यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है मेरी लिपस्टिक। ठीक है, तो प्रोमिनेंट हो गई है। अब लास्ट में अगर आपके पास समय है सो आईज को और भी ज्यादा प्रोमिनेंट, और भी ज्यादा ओपन, और भी ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाने के लिए हमारे पास है मस्कारा। लेकिन बहुत सारे लोगों की गलतफहमी होती है कि मस्कारा तो कंपनी ठक लेते हैं, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसे ऐसे करते हैं, इसमें कुछ होता ही नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं, हमें सूखा भेज दिया, ड्राई भेज दिया। ध्यान में रखना है मस्कारा हमारी, अच्छे मस्कारा जो होते हैं वो क्रीमी फॉर्म में होते हैं, क्रीम फॉर्म में होते हैं। तो मस्कारा कहाँ रहता है? मस्कारा रहता है कहीं नहीं रहता है, मस्कारा रहता है इस ब्रश के ऊपर टिप्स में रहता है। ठीक है, ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे। और मस्कारा को बहुत सारे लोग गलत एक चीज करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे 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 करना शुरू करते हैं। जितनी बार आप ऐसे करेंगे एयर जाएगा और ज्यादा ड्राई हो जाएगा। और बहुत सारे लोग दिमाग भी लगाते हैं, इसमें थोड़ा सा बिस्लरी वाटर डाल देते हैं, डाल के फिर हिलाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कोकोनट ऑयल डाल देते हैं कि थोड़ा सा क्रीमी हो जाए। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे मस्कारा खराब हो जाती है। तो जल्दी जल्दी मस्कारा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे,
खुद लगा रही हूँ। सबसे आसान है, मैं एक आंख बंद कर लूंगी, एक आंख बंद और एक आंख खुल के मैं लगाऊंगी, ठीक है। तो मैं जैसे इसको बोलूंगी, मैं बंद रखो एक आईज बंद, आप थोड़ा सा कॉर्नर आईज बंद, कॉर्नर ऑफ द आईज को थोड़ा सा पकड़ेंगे और ओपन करने की जरूरत भी नहीं है, पहले ऊपर लगा लेंगे फैन की तरह, पहले लगा लेंगे, अब थोड़ा सा ओपन करो, बस लग गई आपकी मस्कारा, बंद करो, बंद करो, आपका मस्कारा पूरी तरीके से लग गई है। अब दूसरे साइड आ जाते हैं, देखो आईज कितनी प्रोमिनेंट हो गई है, देखिए एक आईज में मैंने मस्कारा लगाया, दूसरे आईज में मैंने नहीं लगाया। बंद बंद, पहले मस्कारा को थोड़ा सा टिप्स में लगा लेंगे ऊपर, थोड़ा देखो, थोड़ा धीरे देखो, मेरी मस्कारा लग गई। अब देखिए आपने बिफोर एंड आफ्टर जो पिक्चर ली थी, आप पिक्चर लेके देखिए, दोनों में फर्क है या फिर पहचान ही नहीं पा, है ना। जिस दिन हम मेकअप करते हैं और जिस दिन हम मेकअप नहीं करते वैसे ही रहते हैं, तो भूत नहीं बन के हम रहते हैं, है ना, हमें कुछ करने का मन नहीं होता है, घर में ऐसे ही भटकते रहते हैं। तो मैं इसलिए जो काम करती हूँ, संडे भी मैं क्या करती हूँ, सुबह उठती हूँ, है ना, सुबह उठ के ब्रश ब्रश कर लेती हूँ, मॉइस्चराइजर लगा खरीदने के लिए बोल रहा है। भाभी को भी कभी बोलना नहीं है कि मेरे